कभी छत पर तो कभी घर की दहलीज पर कभी बालकनी में नन्ही चिनिया गौरैया की संख्या भले ही कम हो रही है लेकिन इनका घर में आना अच्छा होता है या नहीं ये हर कोई जानना चाहता है क्योंकि गौरैया जितनी खूबसूरत दिखती है उनके बारे में कुछ ख़ास बातें जानकर आपको उतनी ही हैरानी होगी आपके घर के वास्तु का संबंध गौरैया से है क्योंकि गौरैया आपके घर का वास्तु को सुधार देती है गौरैया को हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये तो आप जानते हैं और गोस्वामी तुलसीदास ने भी राजा दशरथ के घर में गौरैया के घोंसला का वर्णन किया है वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में उत्तर दिशा और ईशान कोण में गौरैया अपना घोंसला बनाए तो ये बहुत शुभ होता है घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है पारिवारिक जीवन की दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लगती है वैसे अगर हम चूँकि किसी भी जगह पर गौरैया घोसला बनाती है तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है इस तरह से अगर कहीं भी आपके घर में भी अगर कहीं गौरैया घोसला बना ले तो भूल कर भी मत हटाइएगा दस तरह के वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आपने सुना होगा कि महाभारत काल में भी महारानी कुंती के महल में गौरैया का घोंसला बनाता वास्तुशास्त्र कहता है कि गौरैया का घर में आना बहुत ही शुभ होता है इनके आने से जीवन में मधुरता आती है बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और अगर गौरैया सुबह सुबह दिख जाए तो बहुत शुभ होता है क्योंकि इससे आपका पूरा दिन बेहतर हो जाता है आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है हर कार्य में सफलता मिलती है तो गौरैया माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक है इसीलिए उनके आने से आपके जीवन में खुशियाँ आती है अब हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए गौरैया को वैसे तो बहुत सारे राज्य में जो राजकीय पक्षी होता है वो भी निर्धारित किया हुआ है लेकिन हिंदू धर्म में सीधे तौर पर गौरैया का आना घर में अच्छा होता है शुभ होता है जीवन में सफलता मिलने लगती है क्योंकि गौरैया का घर में आना धन आने के मार्ग को खोलता है माँ लक्ष्मी का आगमन होता है घर में सुख शांति बनी रहती है और बेवजह का जो टेंशन है झगड़ा है बीमारियाँ हैं वो सभी गौरैया के घर में आते ही धीरे धीरे चला जाता है